वह न्याय सु वो मर्यादाएं कैसे तोड़ी जा रही थी करके कर्मात्मिका वो कर्मात्मिका जो अंगीकृति हती वह अंगीकृति ने अपना चार्म और प्रभाव और वह कर्मात्मिका अंगीकृति में लोगन की निष्ठाएं खोनी शुरू हो गई थी क्योंकि वह को पोलोपन समझ में आ रहे हो तो जो स्थिति आज अपन पुष्टिमार्ग के कर्मकांड की देख रहे हैं कि लोगन की निष्ठा वहां में खंडित हो गई है। देखो ध्यान से समझे बात को कि श्रद्धा बढ़ गई है और निष्ठा खंडित हुई है। निष्ठा और श्रद्धा में थोड़ा अंतर है। निष्ठा को मतलब कि वाकू जीने की तैयारी और श्रद्धा को मतलब कि जीने की तैयारी नहीं पर वाकू चलाए रखने की एक आस्तिक्य। तो श्रद्धा और निष्ठा में थोड़ा अंतर है। यही लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं निष्ठा च साधन ही रेव न मनोरथ वार्तया। मगर अपनी आज जो पुष्टि मार्गी जो साधना प्रणाली वहां में निष्ठा विहीन श्रद्धा बहुत बढ़ गई है पर निष्ठा वाली अपनी साधना में अपनी निष्ठा नहीं रह गई। तो यही तरह से वह वक्त भी कर्मकांड में लोगन की श्रद्धा बहुत बढ़ गई थी पर निष्ठा कमजोर हो गई। और जब व्यक्ति जो जा साधना को कर रहे हो वहां में वाकई खुद की जा वक्त निष्ठा नहीं हो वह सच्ची तो जो वाकू अनुसरने वालों है वो भी फिर पाखंड में ही ज्यादा रच पच जाए। अपन या कोई यात्रा से समझ सके कि भाई टिकट लेके और ट्रेन में चढ़ना चाहिए ये बात सच है पर टिकट बेचने वाले ही खुद ब्लैक करते हों तो फिर जो पैसेंजर है वो भी या रहस्य को समझ जाए कि भाई बिना टिकट चढ़ो ट्रेन में और कोई ना कोई वो जो है वो कंडक्टर है वो पटेगो ही पटेगो और टिकट तो मिलेगी ही जाएगो कहाँ वो कहाँ जाएगा और अपन कहाँ जाएंगे। ट्रेन चलनी में यात्रा वाकू भी करवानी है और ट्रेन चलती में यात्रा अपने को भी करनी है क्योंकि ट्रेन के सिवाय फिर दूसरों कोई यातायात को साधन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होए उतनो सुविधाजनक तो आदमी वाकू फिर एक्सेप्ट करके चले कंप्लेंट कर तो जाए कि भ्रष्टाचार बहुत है और ऐसा ये है वो है पर वह भ्रष्टाचार को पोषण पाछो अपन ही करते हो क्योंकि अपने को टिकट तो चाहिए ही है ना। वो जैसे पुलिस खाता में हुए है जैसे न्याय के खाता में हुए है जैसे ट्रेन के खाता में हुए है ऐसे ही धर्म के खाता में भी ऐसे ही हुए है कि जो भी धर्म के अनुयायी हैं वो कंप्लेंट करते रहे कि बहुत भ्रष्टाचार है ये चल रहे हो वो चल रहे हो ये खराबी है वो खराबी है पाछे पैंपर वही कोई करें क्योंकि वो श्रद्धा बढ़ गई है निष्ठा खंडित हो गई है। ये जैसे पुष्टि मार्ग की आज की हकीकत है वह तरह से वह वक्त वैदिक धर्म की हकीकत हती सो वह स्थिति में वह शून्यता में वह रिक्तता में अचानक भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने जा वक्त नीति को उपदेश दियो तो वाकी अपील स्ट्रांग होनी हती समझ में आ सके ऐसी बात है। और वो स्ट्रांग इतनी भई कि फटाफट बहुजन हिता है बहुजन हिता है बहुजन सुखाय के न्याय सु ढेर के ढेर मने क्षत्री बनिया और ब्राह्मण भी जैन और बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो वो नीति के उपदेश को कोई एक महत्व तो पर वह नीति के उपदेश पर धर्म बहुत दिन तो चल नहीं सक्यो और बहुत दिन चल नहीं सक्यो करके फिर पाछे कुछ ने कुछ कर्मकांड की तो अंगीकृति वह नीति की मर्यादा में कुछ कर्मकांडात्मिका अंगीकृति की अपेक्षा हती जैन धर्म में भी हती बौद्ध धर्म में भी हती। और वो कैसे कैसे कर्मकांड प्रकट भय वो मैंने बताए सागार और अनागार धर्म के भेद से प्रकट भय अत्ता ही अत्तनो नाथ अपीम अप्पू मणंतु को सिद्धांत को ड्रॉप करके बुद्ध महावीर को पूजन करनो
परमात्मा को नहीं मानना, परमेश्वर को नहीं मानना, पर बुद्ध महावीर को ही परमेश्वर मान के उनको पूजन करना, उनकी भक्ति करनी। और वो जैसे अपने यहाँ कर्म ज्ञान भक्ति के तीन मार्ग प्रकट हुए, लगभग वैसे के वैसे ही जैन बौद्ध धर्म में भी कर्म ज्ञान भक्ति योग ये चारों तरीके के मार्ग हैं। जैन धर्म में भी हैं, बौद्ध धर्म में भी हैं। और जैसे अपने यहाँ जो है वो भक्ति जा बखत विकृत होवे, भक्ति में जा बखत भ्रष्टाचार पैदा होवे, वा बखत जैसे अपने यहाँ जो है वो तंत्र मार्ग चलियो, वो शैवन में भी चलियो, शाक्तन में भी चलियो, अपने वैष्णवन में भी चलियो, ऐसे वही प्रणाली सु उन धर्मन में भी या तरीके तांत्रिक मार्ग भी पाछे चले। और मूल बात कहाँ आती और कहाँ की कहाँ पहुँच गई, क्योंकि सब जगह अनुयायी तो मनुष्य है ना, मनुष्य मनुष्य जैसा है करके वो स्थिति वहाँ भी भाई। वहाँ को थोड़ा संक्षेप में चित्र मैंने आपको कल समझाया। टेन कमांडमेंट्स जो यहूदी धर्म को नींव है, वामे या के विपरीत, अपन आरंभ से एक बात बड़ी स्पष्ट विभक्त रूप से देख रहे हैं। और वो बात यह है कि टेन कमांडमेंट्स के अपन दो विभाग कर सकें, एक टेन कमांडमेंट्स के कुछ जो कमांडमेंट्स हैं माने दस में से छह कमांड्स या तरीके की हैं कि जिन कमांड को अपन सामान्य धर्म के रूप में अपने यहाँ की परिभाषा में कहना होए तो जाकू अपन सामान्य धर्म के हैं, जाकू भागवत और मनु भी जैसे बतावे के धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहो धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। भागवत ने भी सामान्य धर्म बताए और उनके 32 फिर बेटा बेटी पत्नी सब बताए थे, मैंने एक वक्त सर्वोत्तम में बात को विस्तार से विवेचन किया। तो अपने यहाँ जो सामान्य धर्म थे वो पाछे ध्यान से समझो मनुष्य के नीतिमत्ता से जुड़े भय धर्म है। और नीतिमत्ता से धर्म अपने यहाँ नहीं हते ऐसी बात नहीं है, अपने यहाँ भी हते, मगर नीतिमत्ता पे भार देने से फिर फंसने की नौबत आवे करके लोग नीतिमत्ता के धर्म पे भार नहीं दें और कर्मकांड पे भार दें, क्योंकि नीतिमत्ता को धर्म को बढ़ावा देते ही क्या हुए ये एक बात समझो कि जब भी नीतिमत्ता के धर्म को थोड़ो भी बढ़ावा दियो तो थोड़ो बहुत अत्ता ही अत्तनो नाथ को चक्कर शुरू हो जाए, क्योंकि नीतिमान तो जो व्यक्ति को होनो है वही हो सकेगो, कोई के बिहाफ में अपन तो नीतिमान हो नहीं सके। नीतिमत्ता के साथ चक्कर ये है जैसे सच बोलना है तो ऐसे तो नहीं हो सके ना कैसे तुम्हारे बिहाफ में मैं सच बोलूं, अक्रोध करनो है तो तुमको जो करनो है सो करो तुम्हारे बिहाफ में मैं अक्रोध करूं, चोरी नहीं करनी है तो तुम चोरी करो और तुम्हारे बिहाफ में मैं चोरी नहीं करूं। ऐसे कोई गुरु या जो पुरोहित हैं वो मूर्ख थोड़ी हैं, वो कहेंगे यार तुम जो है चोरी मत करो हमको चोरी करने दो, तुम क्रोध मत करो हमको क्रोध करने दो, तुम लोभ मत करो हमको लोभ करने दो। पुरोहित वर्ग के साथ हर वक्त ये ट्रबल हो गई है तो पुरोहित ऐसे उपदेशन को कभी बढ़ावा दे नहीं जा उपदेश के कारण बाजी जो है वो यजमान के हाथ में जावे। ये एक रहस्य है धर्म को कि उन धर्मन को पुरोहित कभी बढ़ावा नहीं दे, क्योंकि यदि वो काम खुद करने लग गए यजमान तो फिर पाछे वही सवाल हो जाएगा कि फिर हमारो क्या होएगा। ऐसे धर्मन को पुरोहित वर्ग कभी प्रोत्साहन नहीं दे, पुरोहित वर्ग उन्हीं धर्मन को प्रोत्साहन दे जिन धर्मन में वाको पौरोहित्य को ग्लोरिफिकेशन ज्यादा हो, वाको पौरोहित्य जो है वो अनिवार्य बने रहे, माने तुम्हारे सामने वाकी
यूटिलिटी हर वक्त एडवर्टाइजमेंट के तरह चमक चमक के सामने आवे, वो बात को पुरोहित जो है वो करे, करके पुरोहितन को ये नीति धर्म पोसावे नहीं, क्योंकि नीति धर्म तुमको करने है, वो तो पुरोहित को तो करने नहीं है। वो पुष्टि मार्ग में भी वही हाल है कि वित्तजा सेवा तुमको करनी है बनियान को, हमको वित्तजा सेवा नहीं करनी है। समझो कि तनुजा वित्तजा दो सेवा छुट्टी छुट्टी हैं, और ये पुष्टि मार्ग को सिद्धांत है, तो महाराज क्यों नहीं करे वित्तजा सेवा? वो करे नहीं कहो, कब भी नहीं दे, गांठ में सु एक पैसा काढ़े वाको नाम महाराज नहीं, गांव को पैसा इकट्ठा करे वाको नाम महाराज। मैं तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में गयो तो भागवत पे सेमिनार है, तो मेरे आज तक कभी मरूंगा तब तक नहीं भूल सकूंगा, ऐसो तकलीफ को मुकु सामना भयो, क्योंकि मैं वह सेमिनार में भाग लेने गयो तो वह दरमियान मेरे एक परिचित मुकु कह रहे थे कि हमारे घर को उद्घाटन है, सो आप आओ। मैंने कह दिया कि भाई वह सेमिनार में जा रहे हैं, वही बखत चले चलो, सब में अपन साथ हो जाएंगे। तो उनके पैसा से वो मुकु ले गए, उनके घर में मुकु रोक्यो, तो मेरे न कोई जाने को खर्चा लगे ना आने को खर्चा लगे। तो जब सेमिनार वाले ने मेरे से पूछी कैसो आपके आने जाने को खर्चा, जो सेमिनार की पद्धति है पार्टिसिपेंट को दिया जाए, तो आप क्या है बताओ। मैंने कि भाई मेरे को सेमिनार में आने को पैसा खर्च ही नहीं लगे तो मैं क्यों लूं, और न यहाँ रहने में कोई खर्चा मुझको लगे, मफत में आया हूँ, मफत में रह रहे हूँ, मफत में जाऊँगा तो क्यों लूं। तो वो मेरे बहुत मित्र हैं और मेरे प्रति बड़ो सद्भाव रखे हैं, उनने मुझको कही कि गोस्वामी जी तुम्हारा शरीर में गोस्वामियों खून नहीं देखा, तू पैसा नु केवी रीते ना पाड़ी सको। तब मुझको पता चली कि हम गोस्वामी इनके माजना क्या है, कि पैसा नहीं ले रहे हूँ वापस ये गाली सुननी पड़ी। मैंने हम लोग इनकी इमेज कितनी करप्ट इमेज है, जापे तो मेरे पे खुश आते हैं, वो मेरे अच्छे स्नेही हैं, पर उनने ये रिमार्क मुक कही कि तुम्हारे भीतर गोस्वामी नु खून नहीं देखा तो पैसा नु केवी रीते ना पाड़ी सको तुम्हें। सची शर्म सु माथा नीचे हो जाए कि क्या हाल है अपने। पर हर पुरोहितन की यही दुर्गति होवे है। आज एक सामान्य बात समझोगे आप, हिंदू धर्म की मैं एक बात बता रहा हूं कि जो अपने यहां पुरोहित वर्ग वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ऋषिन के परंपरा के धरोहर हैं, उन पुरोहितन को क्या हाल है कि शादी करने आवे तो वो जूता पैर के बैठे हुए कुर्सी पर, पुरोहित जी नीचे बैठे हुए हुए। और सहज संभव है, ऐसो कई बखत संभव है कि इन पुरोहितन ने शास्त्र ज्यादा पढ़े हुए और भागवत की कथा करने वाले बकवादी सिर्फ करते हुए भागवत के नाम पे, कुछ शास्त्र पढ़े नहीं हुए, पर वो ऐसे बड़े बड़े ऊंचे सिंहासन पे विराजे, क्योंकि पौरोहित्य नहीं करें। पौरोहित्य नहीं करेंगे करके उनको जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे वहां पे बैठा हुए लोग। तो क्या है कि या तरीके को सब जहर तो पीधा जानी जानी है, तो ये परिस्थिति है धर्म की, और या परिस्थिति के कारण जो भी पुरोहित वर्ग है वो नीति संबंधी उपदेशन को ज्यादा भार नहीं देके आराधना संबंधी कर्मकांडन पे पुरोहित वर्ग को भार ज्यादा हुए, अथवा वाको एक दूसरा अपोजिट हुए ज्ञानोपदेश जाकि वैरायटी हम लोग सब हैं और ये कथाकार हैं, ये सब जाकि वैरायटी हैं। तो या तरीके को बायफर्केशन हो गया मूल शास्त्र में, या तरीके को बायफर्केशन नहीं है। आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि,
उपदेशयति अन्यांश्च तमाचार्यम प्रचक्षते। कर्मोपदेश और ज्ञानोपदेश में या तरीके को बायफर्केशन नहीं हतो। आचार्य को मतलब हतो कि शास्त्र को आचयन करे, खुद अपने आचार में स्थापित करे और वह कर्म संबंधी सारे निर्देशन को देवे। और मूल में आचार्य जो प्रारंभिक शिक्षा देवे है, वो अपने यहाँ के शास्त्र देखोगे तो पता चलेगो कि प्रारंभिक शिक्षा जो विद्यार्थी उपनीत विद्यार्थी है वाकू आराधनात्मक कर्मकांड की नहीं देके शौचाचार और नीति की दी जाती थी। कि शौचाचार और नीति क्या है वो बात पहले समझाई जाती, वाके साथ धीरे धीरे वेद पढ़ाया जातो, और जब वेद पढ़ ले अच्छी तरह से फिर वेदांग पढ़ाया जातो, और जब वेदांग पढ़ा ले तब वाकू कर्म की छूट दी जाती थी। वो जो करे वाको नाम आचार्य हतो, वाकू वेदांग पढ़ाया जातो, वाके पहले वाकू शौचाचार और नीति पढ़ाई जाती, और वेद में जब वो तैयार हो जाए तब वाकू कर्म की सिखाया जातो या कर्म में प्रवृत्त कियो जातो। वाके बिना सारे कर्म वाकू प्रवृत्त नहीं कियो जातो, क्यों कि ब्रह्मचारी के लिए एक नियम हतो कि स्वाध्याय ही वाको कर्म है। यंग्यम कृतु मधीते तेन तेनास्यम इष्टम भवति, मने वाको वाचिक यज्ञ होवे है और जो गृहस्थ होवे है वाको कायिक यज्ञ होवे है, और गृहस्थ के बाद जो वानप्रस्थ आदि और संन्यास आदि में मानसिक यज्ञ, ऐसे त्रिविध यज्ञन की परंपरा आती। आज अपन को कोई सन्यासी जो है मानसिक यज्ञ नहीं करे, कोई विद्यार्थी को वाचिक यज्ञ नहीं कराया जाए, और गृहस्थ जो है वो कायिक यज्ञ करे, क्योंकि फंस गयो है, करे क्या, श्रद्धा बढ़ गई है, निष्ठा खंडित हो गई है। वह तरीके को जीवन अपनो, धर्म को, धार्मिक जीवन या तरीके को, ये एक हकीकत है। पर या तरह से कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड के तीन कांड के वाटर टाइट कंपार्टमेंट उपदेश हो गए अपने यहां, क्योंकि कर्मकांडी जो गुरु हैं वो एकदम क्षुद्र जूता में बैठने लायक पुरोहित हैं, ज्ञानकांडी जो उपदेशक हैं वो ऊंचे मंच पे बैठे हुए हैं, और भक्तकांड के जो उपदेशक हैं वो खानगी में रासलीला और ये सब समझा हुए या तरीके के सब उपदेशन को या तरीके को बायफर्केशन हो गया है। जबकि वो कंपोजिट होल होना चाहिए तो उपदेशक में वो आखी व्यवस्था आती। भक्ति मार्ग को उपदेश एक अलग कथा आती, और भक्ति मार्ग के अनुष्ठान के तहत कथा, कथात्मिका भक्ति, वो अलग एक कथा आती। वाकू भी पाछी क्लब कर दी गई, मैंने जो छुट्टी हती वाकू क्लब कर दी गई, जो क्लब हती वाकू छुट्टी करी गई। मैंने आज लोग समझ नहीं पावे कि भागवत कथा अपने को उपदेश विधि से सुननी कि श्रवण कीर्तन मनन की विधि से सुननी, भारी कंफ्यूजन है। या तरीके को झांसावा में चले है, सचमुच में सिद्धांत के हिसाब से भागवत कथा अपने को अपनी नवधा भक्ति के पाठ के तहत स्वयं नियम से करनी चाहिए। वाकू अपन साप्ताहिक विधि से उपदेश विधि से सुने और ये समझें कि ये हमारा बड़ा भारी भक्ति को अनुष्ठान हो गया। वो भक्ति को अनुष्ठान नहीं है, वो तो इफ एट ऑल होवे तो उपदेश विधि से होना चाहिए तो वात अरे वहाँ टुकड़ा हो गए, जैसे तनु वित्त जाके टुकड़ा हो गए, तनुजा वित्त जाके टुकड़ा हो गए, ऐसे वहाँ टुकड़ा हो गए। ऐसे जो एक है वाकू अनेक कर दो, जो अनेक है वाकू एक कर दो, और ये सब मर्यादा भंग करने के सारे प्रकार हुए हैं। पर इन सब प्रकारों को अपन भी सफ़र कर रहे हैं, वो धर्म भी सफ़र कर रहे हैं, नहीं सफ़र कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। मगर यहूदी धर्म में के जो मौलिक उपदेश हैं उनमें ये एक रिमार्केबल बात है कि जो मौलिक चार उपदेश हैं वह में नीति के उपदेश और आराधना के उपदेश क्लब करके दिए गए हैं, और प्रभु ने आराधना के उपदेश पहले दिए
और नीति के उपदेश पीछे दिए हैं, वहां मैं वाक्य कारण जो पीछे के छह उपदेश हैं, जो सामान्य धर्म के उपदेश हैं, यदि अपने यहां की परिभाषा में अपन उनको समझें, टेन कमांडमेंट्स को, तो वो छह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं करना, बस सीधी सी इतनी बात है। एक एक कमांडमेंट एक एक दोष के निराकरण की है, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसे स्पष्ट वो नीति संबंधी बात है जो अंत में छह बातें कही गई हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मत करो। अपने यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को एब्स्ट्रैक्ट टर्म में उपदेश आयो, और ये टेन कमांडमेंट्स में इनको उपदेश एब्स्ट्रैक्ट टर्म में नहीं आके कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शन के तहत आयो है, बस फर्क इतना है। और वाक्य पहले तीन या चार जो उपदेश हैं टेन कमांडमेंट्स के, वो आराधना संबंधी, भगवत आराधना संबंधी उपदेश हैं, भगवत संबंधी उपदेश हैं। तो यदि अपन अंगीकृत मर्यादाओं के मॉडल पे या सारी बात को समझें तो बिल्कुल स्पष्ट चित्र ऐसा आवे कि वो जो उपदेश हैं प्रारंभ के चार, तीन या चार उपदेश, वो अंगीकृति के उपदेश हैं, और वह अंगीकृति की शर्त में छह मर्यादा बताई हैं, माने अकाम, अक्रोध, अलोभ, अमोह, अमद, अमात्सर्य, इन मर्यादान में भगवद आराधना निका अंगीकृति का उपदेश है। और या तरीके को जो उपदेश है वह उपदेश को काफी महत्व है, महत्व इतना ही नहीं वहां पे भार भी उन धर्मन ने काफी दियो, अभी तक भी वो देवे हैं। सो सबसे पहले उनको उपदेश है देखने लायक है कि भगवान क्या कहे उनको, आई द लॉर्ड एम योर गॉड। कितनी मजेदार बात है, मैं भगवान तुम्हारा भगवान हूं। अंगीकृति समझ में आ रही है, मैं भगवान तुम्हारा भगवान हूं। वाह, तरह से कमांडमेंट स्टार्ट हो रही है। या अरे भाई, कोई एक आदमी सिर्फ अपने को आके कहे ना कि मैं एक मनुष्य तुम्हारो दोस्त हूं, वाके वाइब्रेशन फील करो, वाके वाइब्रेशन फील करो तो पता चलेगी। जा बखत भी मोसेस को ये बात भगवत वाणी से प्रकट भई कि मैं भगवान तुम्हारो भगवान हूं, जैसे अपने ठाकुर जी गीता भागवत में कहें तस्मान मच्छरण अंगोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रम, तो वाके जो वाइब्रेशन है वो फील करोगे तब मजा आएगी। तो आई द लॉर्ड एम योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। मैं तुमको निकाल के लाया हूं सारी तकलीफ से, तुम्हारी दासत्व की अवस्था से छुटकारा मैंने तुमको दिलाया है। दैट प्लेस ऑफ स्लेवरी, जो तुम्हारी गुलामी को स्थान है, तो वहां से छुटकारा दिलाने वालों तुमको मैं हूं। ये सब कथा को पार्ट है, कैसे वहां ने छुटकारा दिलाया, वहां की डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। You shall not have other gods beside me। देखो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, और या के कारण अब आगे सु मेरे अलावा तुम्हारो कोई भगवान तुम मानोगे नहीं। ये बात ध्यान से समझो, अच्छे बुरे दोनों, या स्पिरिट को या भगवद आज्ञा की स्पिरिट को मर्यादा के रूप में स्वीकार के और भगवान की अंगीकृति को
एक भक्तिमय भाव भी हो सके, और या स्पिरिट को स्वीकार के या मर्यादा को स्वीकार के वह अंगीकृति को झुठलाने वालों एक दुनिया भर में झगड़ा पैदा करने को हेतु भी हो सके है। ला इलाह इल्लल्लाह मारो सबको जो अल्लाह को नहीं माने। असल में जो कुरान में वो उपदेश आया है वो यहां सु आयो है, ये कमांडमेंट्स के सु। कुरान ने तो पीछे कही ये बात, 10 कमांडमेंट्स ने पहले कही, और मोहम्मद साहब भी इन को प्रमाण मान के चले हैं। सो यहां से वो जाकू एकेश्वरवाद कहो जाए, मोनोथीज़म वाक्य मूल सबसे पहले यहाँ पढ़े कि ईश्वर एक है, ला इला इल्लिल्ला, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, और वो अल्लाह एक है। थोड़ो सो, क्योंकि मैं ये सारी बात अपनी बात समझाने के लिए समझाना चाह रहे हूँ, याली आपको ये भी समझाना चाहूंगा, अपनो महाप्रभु जी भी यही तरह सुख है। प्राकृता सकला देवा गणिता आनंद कम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात कृष्णे वगतिर ममा। पर अपने महाप्रभु जी की जो ये एकेश्वरवाद की मर्यादा है, और या एकेश्वरवाद की मर्यादा में जा तरह से अपन कृष्ण को अंगीकार कर रहे हैं, वा में सब देवन को कृष्ण को अंग मान रहे हैं, सब देवन के मंदिर को तोड़ने की बात नहीं है, जो जा देव को मान रहे हो वा देव को ना माने और कृष्ण को माने, या तरीके को साम्राज्यवादी कोई स्वप्न अपने या में नहीं है। अपने यहाँ स्पष्टतया ये बात है कि तुम यदि कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण तुम्हारो होना चाहिए एकेश्वर, और तुम यदि राम के भक्त हो तो राम तुम्हारो एकेश्वर होना चाहिए, तुम यदि शिव के भक्त हो तो शिव तुम्हारो एकेश्वर होना चाहिए, तुम यदि शक्ति के भक्त हो तो शक्ति तुम्हारो एकेश्वर होना चाहिए। महाप्रभु जी ने यह बात को स्पष्टतया एक तरह नहीं 25 तरह से खुलासा करो है, और अपने श्री गोसाई जी तो यह बात के मैंने बहुत मजेदार एक आदर्श हैं कि जो तुलसीदास को खुले दिल से यूं कह सकें कि जैसे तुम कृष्ण के पद गावत हो ऐसे पद गाए वारे तो मेरे यहाँ बहुत हैं, पर जैसे तुम राम के पद गावत हो तैसो गाए वारो को ना हो तासो तुम राम के ही पद गाओ। तो अपना भी एकेश्वरवाद है, अपन भी एकेश्वरवाद की मर्यादा में बंधे हुए हैं। अपने यहां भी ये बात कही जाए कि अन्य संबंध गंधोपि कंधराम एव बाधते, ऑलमोस्ट वही फोर्स है हो कि यू शैल नॉट हैव अदर गॉड्स, अपन भी कह रहे हैं, मगर अपनो यू जो है वो कन्फाइंड टू निजजन है, सर्वजन नहीं है, बहुजन हिता है नहीं है, बहुजन सुखाय नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी को स्पष्ट सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव को प्रभु प्रत्येक अलग अलग रूप से अंगीकार करे है, कोई को ज्ञान मार्ग में अंगीकार है, कोई को कर्म मार्ग में अंगीकार है, कोई को शैव मार्ग में अंगीकार है, कोई को शाक्त मार्ग में अंगीकार है, कोई को राम रूप से अंगीकार है, कोई को कृष्ण रूप से अंगीकार है, कोई को योग के लिए अंगीकार है, कोई को ईश्वर मार्ग से अंगीकार है, तो कोई को अनिश्वर मार्ग से अंगीकार है। यहां तक भी कहने की महाप्रभु जी में अत्ता ही अत्तनो नाथ अपिम अपू मणंतु कहने की महाप्रभु जी में ताकत है, बालबोध में स्वतः परतो मोक्ष की जहां महाप्रभु जी ने विवेचना करी है, वहां स्वतः मोक्ष में सांख्य योग जो हैं वो मोक्षदायक साधनाएं हैं, ये कहने की महाप्रभु जी में हिम्मत है। अत्ता ही अत्तनो नाथ अपिम अपू मणंतु जो जैन और बौद्ध कह रहे हैं वो बात कहने की महाप्रभु जी में गट्स है, ये मानते भय कि कृष्ण के अलावा हमारो और कोई नहीं है। कृष्ण एव गतिर मम सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम कहने वालों अपनो मार्ग भी या बात पे नाराज नहीं हुए कि श्री कृष्ण को नहीं मान के कोई अपने आप योग की साधना करते होए या अपने आप कोई सांख्य की साधना करते होए तो काफिर है या वो आसुरी जीव है या वाको काट दो या वाके सेंटर इनको जला दो या वाके साथ कोई तरह का कंपटीशन करो कि वाके चेलाएं क्यों बढ़ गए और अपने चेलाएं बढ़ाओ,
नहीं चेला बढ़ते हो तो मछली खवा के बढ़ाओ, नहीं चेला बढ़ते हो तो ऐसे भागवत सुना के बढ़ाओ, नहीं चेला बढ़ते हो तो सर्वोत्तम याग करके बढ़ाओ, सजावटें दिखा दिखा के बढ़ाओ, या तरीके की कंपटीशन महाप्रभु जी के दिल में कभी नहीं आती। यह आज अपने में आ गई मर्यादा के उच्छेद के कारण, मर्यादा के उच्छेद के कारण आज अपने दिल में आ गई महाप्रभु जी को एकेश्वरवाद या नेचर को नहीं है। और ये बात एक बात ध्यान समझो कि या तरह के एकेश्वरवाद महाप्रभु जी को नहीं है, इतना ही नहीं, मोर और लेस पुराने जितने भी भारत के देव संबंधी संप्रदाय हते उनमें या तरीके को एकेश्वरवाद नहीं है। तो अपने ईश्वर की अनन्य आराधना करनी, अनन्य शक्ति करनी, पर वासु दूसरो ईश्वर को रूप ईश्वर रूप नहीं है या आराधनी नहीं है, ये बात नहीं है। एक सामान्य बात आपको समझाऊं कि अपन ने कभी भी ऐसो अपने संस्कृति में ख्याल नहीं है तो कि ये मस्जिद, ये चर्च, ये सेनेगॉग जो अपने हिंदुस्तान में दो तरह सुआए, कुछ इनके यात्री हैं बिना कलह के अपने पास आके रहे, अपने साथ रहे, अपने राजान ने, जिन राजान के एडवाइजर ब्राह्मण हते, जिन राजान के एडवाइजर धर्मशास्त्र के जानकार ब्राह्मण हते, उन राजान के द्वारा प्रश्रय प्राप्त करके चर्च, सेनेगॉग और मस्जिद अपने यहाँ खुले हैं। सब कोई तलवार के जोर पे नहीं खुले, और अपन के दिल में कभी ऐसी भावना नहीं जगी कि इन चर्चन को, इन मंदिरन, इन सेनेगॉग को, इन मस्जिदन को तोड़ दियो जाना चाहिए, क्योंकि ये काफिर हैं, ये जो हैं वो आसुरी हैं, ये म्लेच्छ हैं। अपन म्लेच्छ मानते थे, ये बात पाची सच्ची है, अपन इन लोगों को म्लेच्छ मानते थे, पर वो म्लेच्छ मानने को आधार अपना ये हतो कि अपन जा आचार को पालने के लिए आदि हते, वो आचार ये लोग नहीं पालते थे, तो अपन समझते थे कि भाई अपन को आचार ये लोग नहीं पाल रहे हैं, सो इनसे बेटर मिक्सअप होनो नहीं चाहिए, क्योंकि इनको म्लेच्छा आचार है। और वह बारे में तो हिंदू को जो वैदिक ब्राह्मण है तो वही नहीं, जैन और बौद्ध धर्म में भी यही लिखे हुए है कि भारत के माने मनुष्य के दो विभाग हैं, आर्य और म्लेच्छ। और आर्य कौन, वहां में स्पष्ट जैन बौद्ध धर्म ये एक बात कहे हैं कि जो अपने या आर्य देश की संस्कृति के आचार विचार को पाल रहे हैं वो सब आर्य हैं, ब्राह्मण भी आर्य हैं, अपने को वो लोग मिथ्या दृष्टि कहे हैं जैन बौद्ध। देखो एक बात समझो, अपनी भारत भूमि की एक विलक्षणता बता रहे हो कि जैन बौद्ध अपने को मिथ्या दृष्टि कहें कि ये सब ब्राह्मण है, सब मिथ्या दृष्टि है, माने भ्रांत हैं ये लोग। पर पाछे यूं कह रहे हैं कि आचार विचार में ये लोग आ रहे हैं, लेच्छ नहीं है, कोई न कोई लेवल पे अपने और उनके आचार विचार एक होते, अपने को ये लोग लेच्छ नहीं मानते थे। कोई भी जैन धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ उठा के देख लो, ये व्यवस्था बिल्कुल साफ है। कई बखत तो बुद्ध भगवान यहां तक कहें कि पवित्र आदमी कैसा जैसे ब्राह्मण, मूर्ख आदमी कैसा जैसा ब्राह्मण भी कहे हैं। दोनों बात कहे बुद्ध भगवान कि पवित्र कैसे हो, उनके जैसे एक ब्राह्मण हो कि नहीं, समझ गए कि नहीं तुम, इतना पवित्र। और मूर्ख कैसे, तो वो भी कहे कि वेद पढ़ पढ़ के मूर्ख कैसे हो जाए ब्राह्मण, ऐसे मूर्ख। दोनों बात के, क्योंकि अपनी वो फिलोसफी को झूठ मान रहे हैं पर अपने आचार को झूठ नहीं मान रहे हैं। अपनो जो आचार है तो सामान्य धर्म को वही उनके यहाँ मर्यादा के रहे तरह उनने प्रपोज कियो है। एक सीधी सी बात बताऊं कि बुद्ध जैन धर्म में सम्यक आचार में जहाँ अब्रह्म को अशुभ कर्म कहो है, वहाँ अब्रह्म को अर्थ जो ब्राह्मण नहीं होनो, वहाँ ब्रह्म शब्द को प्रयोग क्यों है, वहाँ के पीछे अपना आपको वैदिक इतिहास है। ब्रह्म को मतलब जो है वो संभोग नहीं है, अब्रह्म को मतलब संभोग नहीं है, तो पर ब्रह्म मतलब वेद, और वेद को प्रतिपाद्य जो तत्व वो ब्रह्म। वाक्य अध्ययन करते वक्त जो है वो माने विद्यार्थी को
ब्रह्मचारी कहो जातो तो यह अर्थ में नहीं कि वो सेक्स वर्जित है, पर यह अर्थ में कि ब्रह्म वेद को वो चरण कर रहे हो है, और वह चरण में मर्यादा हती कि सेक्स न करे। वा के लिए ब्रह्मचारी शब्द प्रयोग भयो, अब ब्रह्मचारी को अर्थ फिर रूढ़ हो गयो जो शादीशुदा नहीं है वा में। पर जब जैन धर्म यो कह रहे हो कि अशुभ कर्म अब्रह्म है, वहां देखो ब्रह्म अपनो बोल रहे हो, उनको नहीं बोल रहे हो कि अब्रह्म होनो अशुभ है, मतलब अब्रह्मचारी होनो अशुभ है, वो अनागार धर्म की बात है उनकी। जब सागार धर्म भयो तब उनने भी छूट दी कि भाई गृहस्थी भी हो सके जैन, पर आरंभ में जैन अनागार धर्म, तो पीछे सुसागार भयो अंगीकृति के कारण, एक विशिष्ट अंगीकृति में उनने अनागार में सु फिर सागार भी जैन की संभावना स्वीकारी। तो पर वह वक्त फिर अब्रह्म नहीं रह गयो, अव्यभिचार हो गयो। जब सागार धर्म को मर्यादा अंगीकृति प्रकट भई तब अब्रह्म के ठिकाने अव्यभिचार शब्द प्रस्तुत भयो। ये सब अलग अलग धर्मन की कैसी मर्यादाएं और अंगीकृति, इनके प्रभेद हैं, सूक्ष्म बाबत पे ध्यान दो। तो ऐसे ही ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं, इनके जो अंतिम 6 कमांडमेंट्स हैं वो पूरी नीति से संबंधित हैं, और जो आरंभ की जो 3-4 कमांडमेंट्स हैं वो उनके ईश्वर आराधना से संबंधित है। वह ईश्वर आराधना से संबंधित कमांड में सबसे पहली कमांडमेंट ये है कि मैं भगवान, मैं ईश्वर तुम्हारो भगवान हूं, और जब मैंने तुम्हारो अंगीकार कियो है, मैंने जब तुम्हारो वरण कियो है, अब तुम्हारो मेरे अलावा और कोई भगवान तुम मानोगे नहीं। या के लिए इनके यहां बड़ा एक अच्छा शब्द है, जैसे अपने यहां तो ये बात नहीं है, पर इनके यहां बड़ी अच्छी एक मजेदार बात है कि सिर्फ कमांडमेंट नहीं है, ये कॉवनेंट है। कॉवनेंट को मतलब क्या, जैसे दो देश आपस में समझौता करें तो वाकी शर्त होवे ना, भाई तुम या बात को करोगे, हम या बात को करेंगे, हम या नियम को पालेंगे, तुम या नियम को पालोगे, वाक्य तहत दो देश आपस में समझौता करें, ऐसे परमात्मा और जीवात्मा के बीच में ये कोवनेंट है। यदि ये कोवनेंट को भंग हो गए तो परमात्मा भंग करे तो परमात्मा भी गुनेगार है, और अपन भंग करें तो अपन भी गुनेगार हैं। ऐसे इन लोगों को सिद्धांत है, बड़ो मीठो सिद्धांत है ये, कि ये सिर्फ कमांडमेंट नहीं है, पर ये कोवनेंट है। बहुत माने मधुर बात है, या बात को सोचें कि परमात्मा बैठे ठाले साथ में आसमान पे बैठे हुए है, और नीचे भूतल के प्राणी सुहा के कोई समझौता करे कि चल भाई तेरे मेरे कुछ समझौता, और ये समझौता की ये 10 शर्तें, तो ये समझौता की ये 10 शर्तें वो परमात्मा के एंगल से देखो तो आदेश हैं, पर परमात्मा और जीवात्मा दोनों के एंगल से देखो तो ये आदेश नहीं होके समझौता है। तो समझौता को तोड़ने को अपराध है, पाप वाप की तो बात पीछे किए, जैसे आदेश को उल्लंघन करने से पाप है, आदेश को उल्लंघन करो तो पाप है, और पाप को फल न रखे वो अपने यहां भी है वहां भी है। पर वासु आगे बढ़ के या में कुछ बात है कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में समझौता है, और समझौता भंग करने करते ही दोनों पार्टी छुट्टी हो जाए। हो ये जो वकील वकालत सम पढ़ते होंगे तो वकालत में जो भी या तरीके के हमें वहां में वह बात को समझो कि कोई तरह को अपनो मने वाकू क्या कहें, कौन सी डीड कही जाए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो ऐसे ही कहें ना, MOU, वही तो मेमोरेंडम। तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वह अंडर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अपन ने कोई काम किया और एक पार्टी ने यदि वाकू तोड़ दियो तो फिर वह की अंडरस्टैंडिंग के जो
लॉज और बाय लॉज हैं और क्लोज हैं, बस दूसरी पार्टी फिर बंधी नहीं रह जाए, दोनों छुट्टे। और मजेदार बात है कि सारो बाइबल की जो कथाएं हैं उनको जो विस्तार है वो यही लाइन पे भयो है कि जब जब वह कॉवनेंट को पालन भयो है तब परमात्मा ने भी पालन कियो है, और जब जब जो है वह कॉवनेंट को ब्रेक कियो है यहूदी ने तब तक परमात्मा ने भी वह में हाथ ऊंचे कर दी, भाई अब मैं हमें जिम्मेदार नहीं हूं, तुम्हारी तुम जानो। सो एक बड़े मधुर संबंध है ये। इन मधुर संबंधन की कथाएं बड़ी दारुण हैं। कथाएं बड़ी दारुण हैं बाइबल में, मगर जहां तक उन संबंधन की बात है कि परमात्मा और जीवात्मा या तरह से कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत एक दूसरे से बंधे हैं, और वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत एक दूसरे के वचन एक दूसरे निभावें, और सारी बाइबल लगभग यही बात को निरंतर समझाती रहे जब तक ईसा नहीं आयो है तब तक। या एक सूत्र को तुम समझ लोगे ना तो बाइबल आखिर समझ में आ जाएगी। हर स्टोरी जैसे अपने 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता अपने पुष्टि भक्ति के अलग अलग पहलू को समझाने के लिए है। मैं अक्सर यही लेकर हूं कि 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता पढ़ लो, षोडश ग्रंथ समझ में आ जाएगा। षोडश ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़ लो, 84 वैष्णव की और 252 वैष्णव की वार्ता को समझना कैसे, वो सिद्धांत समझ में आ जाएगा। वो विधान है और ये आचरण है, या आचरण है वो विधान है। ऐसे ये आखी बाइबल की जो कथाएं हैं, बाइबलिकल स्टोरी जिनको कहा जाए, वो कैसे 10 कमांडमेंट्स के कॉवनेंट को पालने और तोड़ने के क्या सत और अशुभ या अशुभ परिणाम निकले, बाकी सारी स्टोरी है। और बहुत मैंने दारुण कथा है, मगर वह संबंध के पहलू से देखें तो बड़ी रोमांचक कथा है कि कैसे आखी एक आदमी प्रतिज्ञा से बंधे और कैसे तोड़े है प्रतिज्ञा को। सो ये पहली कमांड थी। दूसरी कमांड थी, यू शैल नॉट कार आइडल्स फॉर योर सेल्फ इन द शेप ऑफ एनीथिंग इन द स्काई अबाव और ऑन द अर्थ बिलो और इन द वॉटर बीनीथ द अर्थ। तुम मूर्ति नहीं घड़ोगे, क्योंकि ये जा इजिप्ट से निकले थे वहां मूर्ति पूजा के नाम पे इन लोगों पे भयंकर अत्याचार किया जाता था। यहूदीन पे भयंकर अत्याचार होता मूर्ति पूजा के नाम पे, जा तरीके को अत्याचार आज वैष्णव समाज पे हो रहे है ठाकुर जी के मनोरथन के नाम पे। वो जो अवस्था इन यहूदीन की फेरो के काल में होती वो अवस्था आज वैष्णवन की ये मनोरथन के नाम पे चूसा चूस जैसे खटमल और मच्छर लोई चूसे ना, ऐसे वैष्णवन को लोई चूसे जा रहे है। कोई धर्म है नहीं या मैं, कोई आध्यात्मिक विकास है नहीं, सिर्फ कैसे पैसा चूसनो तुम्हारा वहां पे गिनती है। तो वही तरह से इन यहूदीन को भी लोई चूसे जा सो। वाक्य कारण भगवान इतना नाराज भयो है वो कह के मूर्ति बनाओ तो ये चूसे ना कोई। सो पहली बार भगवान ने आदेश दिया कि तुम कभी जीवन में मूर्ति नहीं बनाओगे, तुम कभी जीवन में मूर्ति पूजोगे नहीं, बनाओ बनाओगे ही नहीं तो पूजोगे कहां से, बनानो गुना घोषित कर दिया, मूर्ति बनानो गुना है। और जब जब इनने मूर्ति बनाई तब तब इन पे ऐसी ऐसी विपदाएं आई हैं यहूदीन पे, और भूल जाए घड़ी घड़ी। बाइबल की यही मजा है स्टोरी के कि थोड़े दिन समृद्ध होवे, समृद्ध होते ही वो पाछे भूल जाए, फिर मूर्ति एकाध बना लें, और फिर परमात्मा कह के देखो तोड़ो ना तुमने समझौता, अब संभारो तुम्हारी तुम। और फिर कोई ना कोई ऐसा आतताई आ जाए कि इनके मार काट के सारे बच्चा औरतन को किडनैप करके ले जाए, बच्चन को ले जाए, दास बना दे, बकरा बकरियां ले जाए, घरें जला दे, खेत खलिहान जला दे, या तरीके को समझौता तोड़ दिया ना तुमने, अपने यहां कर नहीं रहे हो भगवान। पता नहीं क्या कहां गए। बाकी
समझौता क्यों नहीं है, अपन तो आदेश अनुसार कर रहे हैं, करके नाराज नहीं होते हो गो भगवान, बाकी नहीं तो समझौता क्यों, तो अपने अभी नाराज हो तो। तो ये एक रहस्य है हमें। सो सारी बाइबल की स्टोरी इनके भी इर्द गिर्द घूमे हैं। यू शैल नॉट बो डाउन बिफोर देम और वर्शिप देम, मूर्ति के आगे कभी तुम हाथ नहीं जोड़, माथा नहीं झुकाओगे, मूर्ति को कभी तुम उपासना नहीं करोगे। और जगजीत की बड़ी अच्छी गजल अभी बजा है सब जगह के, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा बन जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, तो वो एग्जैक्ट यहां से आई भाई बात है। वाक्य बात उनको भगवान कह रहे हो कि ये सब मैं क्यों कह रहे हूं, तो कह रहे हो फोर आई द लॉर्ड योर गॉड एम जेलस गॉड, मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं, मैं बहुत ईर्ष्यालु ईश्वर हूं। आगे की देखो कमांडमेंट में बहुत मजेदार है कि तुम कोई की ईर्ष्या नहीं करोगे। आगे कमांडमेंट में आएगा कि तुम कभी कोई की ईर्ष्या नहीं करोगे, मगर भगवान खुद दावा कर रहे हो है मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं, और यदि तुमने कोई देव को मेरे अलावा भजो तो अपने ये समझौता कैंसिल। एक तरह को मेल शावनिज्म है, मेल शावनिज्म में ऐसे ही हो ना कि आदमी 10 लड़की को देखे तो बुरा नहीं माने, पर लड़की कोई दो को देख ले तो आदमी को बहुत इज्जत को सवाल आ जाएगा, इज्जत खराब हो गई और हमारी समाज में प्रतिष्ठा की हानि हो गई। ऐसे भगवान कुछ थोड़े बहुत मेल शावनिज्म से सफर कर रहे हो यहाँ। तो वो क्या कहे, आई द लॉर्ड योर गॉड एम जेलस गॉड, ये बात ध्यान रखो मैं बहुत जेलस हूं। अच्छा लगे वैसे सुनने में भगवान के मुंह से ये बात, क्योंकि जब चाहे है कोई को तब इतना दावा कर रहे हो ना कि यदि तुम मेरे को छोड़ के कोई दूसरे को चाह रहे हो तो मैं जेलस हूं। और भी कुछ सारी बातें हैं, उन बातों से अपना संबंध नहीं है या कमांडमेंट के तहत। वाक्य बात देखो कितनी मजेदार बात है 10 कमांडमेंट्स की। यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ लॉर्ड योर गॉड इन वेन, फॉर द लॉर्ड विल नॉट लीव अनपनिश्ड हिम हु टेक्स हिज नेम इन वेन। तुम मेरे नाम को दुरुपयोग मत करो कभी। दुरुपयोग क्या, देखो कितनी मजेदार बात है, अपने यहां ये बात कही है कि जिन मंत्रण को अपन सकाम प्रयोग कर रहे हैं उन मंत्रण में कृष्ण शब्द को अर्थ कृष्ण नहीं होके विभूति हो जाए है, क्षुद्र देवता हो जाए है, नाम भले कृष्ण है पर जा मंत्र में कृष्ण नाम भी घड़े गयो है, पर या मंत्र को यदि अपन ने सकाम प्रयोग कियो तो वहां कृष्ण को अर्थ, श्री कृष्ण को अर्थ परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नहीं रहकर क्षुद्र देवता हो जाए, और वह मंत्र को बोलने में अन्याश्रय हुए। अपने यहां भी यह सिद्धांत है, अपने यहां भी यही सिद्धांत है। और वाके बावजूद अपने यहां यमुनाष्टक के कौन से वो चक्करदार पाठ, हाँ संपुटी पाठ और वो क्या मैंने चक्करदार तिहाई और 27 आवर्तन की तिहाई और ये सब नाटक चल रहे हैं, और इनकी दशा होए तो ऐसा चंद्रकला धरा दो और सूरज की दशा होए तो मोहन थाल धरा दो, ये सारे नाटक चल रहे हैं। यू शैल नॉट, ध्यान से करो कितना पैरेलल है, सारी दुनिया में
मर्यादा के उपदेश और मर्यादा के भंग के सारे प्रकारन में कितनी समानता है। मने श्री गोसाई जी ने तो यहाँ तक कह दी है कि जो भागवत भगवत कथा भगवत भक्ति को उपदेश सकाम करे है वो गंगा जल को उपयोग संडास में करे है। जो भागवत कथा भगवत भक्ति को उपदेश सकाम करे है वो गंगा जल को उपदेश उपयोग संडास में करे है। और वा तरीके के उपयोग सु कुछ धर्माचरण हुए नहीं है, शुद्ध अधर्माचरण ही हुए है, पाप और लगे अपने को। भगवान नाम को दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वही बात इनके यहवा ने भी वा बखत कही है। बहुत मजेदार बातें हैं ये सब। यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ लॉर्ड। देखो घड़ी घड़ी योर गॉड, हर वक्त जो योर गॉड बोले ना बहुत मुको सेहरन हुआ है कि यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ लॉर्ड योर गॉड, तुम्हारे भगवान को नाम दाकू जो करना है करो। अपने आप ही यही सिद्धांत है तो कि अपने पुष्टि प्रभु को उपयोग अपन सकाम नहीं करेंगे। जहां सकाम उपयोग है वहां पुष्टि प्रभु नहीं है, क्षुद्र देवता है। आज अपने को अपनी मर्यादा तोड़ के ये समझाया जा रहे हो है कि पुष्टि के जो भी स्तोत्र हैं पुष्टि के जो भी नाम हैं उन सब को सकाम प्रयोग हो सके है, जो कि गोसाई जी पाछो कह रहे हैं कि गंगा जल को गटर में उपयोग है, संडास में उपयोग है। वही बात यहां यहोवा भी कह रहे हो, फॉर द लॉर्ड विल नॉट लीव अनपनिश्ड। यदि तुमने उपयोग कियो तो अपना समझौता कैंसल, तुमको छोड़ेगा नहीं दंड दिए बिना। यह बात याद रखियो, योर फॉर द लॉर्ड विल नॉट लीव अनपनिश्ड हिम हु टेक्स हिज नेम इन वेन। ऐसे दुरुपयोग तुम करोगे निरर्थक, जहां मेरे नाम को उपयोग नहीं होना चाहिए। न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्चैहि कश्चस। तो ये उपयोग करोगे तुम अपने, तो महाप्रभु जी ने बेचारे महाकारुणी कहकर क्या तरीके डरायो धमकायो नहीं है, खाली नियति बताई है कि तदा काल प्रवास था देह चित्ता दयो प्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति। पर ये तो यहोवा तो एकदम ही ऑलमोस्ट बाप के टोन में बोले है, भगवान से भी ज्यादा बाप के टोन में बोले है। डंडा लेके खड़े हो ऐसे ही फील हो रहे हो कि मारेगा अभी नहीं मानेगा। तो देखो ये बात पाछी ईश्वर संबंधी आराधना संबंधी इंस्ट्रक्शन है, नीति संबंधी इंस्ट्रक्शन नहीं है। उनके यहाँ आराधना के पार्ट के तहत ये बात बताई गई है। फिर वो कह रहे हैं रिमेंबर टू कीप होली सबात डे, सिक्स डेज यू मे लेबर एंड डू ऑल योर वर्क बट द सेवंथ डे इज द सबात ऑफ द लॉर्ड योर गॉड। ये जो संडे को अपन हॉलीडे कहे हैं ना, ये हॉलीडे या लिए कह जाए कि वो हॉलीडे पिकनिक मनाने के लिए कोको कोला पीने के लिए बाटलियां चढ़ाने के लिए हॉलीडे नहीं है। तो ओरिजिनली वो हॉलीडे या लिए तो कि छह दिन तुम काम करो और सातवें दिन तुम सिर्फ मेरो मेरो और मेरे अलावा कोई चीज को चिंतन मत करो वाली है वो हॉलीडे। तो अपन ने हॉलीडे का मतलब ही मौज मनानो कर लिया, हॉलीडे ट्रिप, हॉलीडे इन गोवा, हॉलीडे इन कुल्लू मनाली, हॉलीडे इन शिमला। हॉलीडे वहां क्या होली क्या है, छोकरा छोकरी जा रहे हैं वो कोई होली है कि अनहोली काम हो रहे हैं। शब्द कैसे अपने अर्थन को खोए हैं, कहां के शब्द कहां पहुंच जाए हैं, आश्चर्य हुए। जो सबात है तो वो भगवान स्पष्ट कह रहे हो कि वो तो तुम्हारे को एक दिन तुमको मेरे को वीक में एक दिन देना पड़ेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट है। यदि नहीं दोगे तो अपना सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वीक में एक दिन तुम मुझको नहीं दे रहे हो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये कॉवेनेंट भंग हो गया। तुमको जो करना हो छह दिन करो पर एक दिन तुम मेरे लिए काढ़ो काढ़ो और काढ़ो, जहां में तुम कुछ काम नहीं करोगे, कुछ मने कुछ नहीं। बाकी डिटेल तो सूत्र में अपन जा सकें
ऐसी अभी नहीं है, पर बाकी बहुत सारी डूज और डू नोट्स हैं कि क्या क्या करो करोगे। पर दैट इज वाई द लॉर्ड हैज ब्लेसेड सबात डे एंड मेड इट होली। या लिए मैंने या दिन को सबात को पवित्र दिन बता दिया है, होली डे बता दिया है। अपने एकादशी मूलतः यही नेचर की होती हूँ, अपने सात दिन के साइकिल में नहीं आती थी, 15 दिन के साइकिल में आती थी। और एकादशी के दिन भूखे रहना भी यही लिए बताया तो कि खाओ मत पर भगवान को ध्यान धरो। अपन सब गिलिंडर हैं कि कुटू के ढोकला और आलू के और या के और मूंगफली के और बादाम पिस्ता और चकाचक बूंदी कैसे हो के नहीं, सब चीज उड़ा हुआ दिल इतना गरिष्ठ हो जाए कि अपने को नींद ही आ जाए फलार खा के, भगवान को फिर कैसे याद करें। ये सब अपने यहाँ कॉवनेंट नहीं है, सो चले वहां कॉवनेंट है तो या तरीके की भगवान ने अपने आराधना संबंधी उपदेश दिए। वाके बाद देखो नीति संबंधी उपदेश आ रहे हैं, पर जैसे कि मैंने बताया आपको ये नीति संबंधी उपदेश अपने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट टर्म में दिए गए हैं और टेन कमांडमेंट्स में नीति संबंधी उपदेश एब्स्ट्रैक्ट टर्म में नहीं देखे कॉन्क्रीट गाइडलाइन के तरह दिए गए हैं। वो उदाहरण से जैसे मैं यूं कहूं अपने यहां कहो गए मद मत करो, मद करनो बुरी बात है, ये एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई। कुछ बताया नहीं जा रहे कौन सी सिचुएशन में मद की मना है, कौन के रिलेशन में मद की मना है, मद की इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म मना है कि भाई मद करनो अच्छी बात नहीं है, मद मनुष्य को एक रिपू है। ये टेन कमांडमेंट्स में या तरह से नहीं है, टेन कमांडमेंट्स में वाकू उदाहरण के सहित बतायो है ऑनर योर फादर योर मदर मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आयो ख्याल में ऑनर योर फादर एंड योर मदर दैट यू मे हैव ए लॉन्ग लाइफ इन द लैंड विच द लॉर्ड योर गॉड इज गिविंग यू। तुम अपने माता पिता को सम्मान करोगे तो तुम जीव बहुत आयुष्य को भोग सकोगे, नहीं तो तुम अल्प आयुष होके मर जाओगे साले। अपने माता पिता को तुमने आदर देना नहीं सीखो, क्योंकि भगवान खुद माता पिता के रोल में बोल रहे हो ना, बात समझो या बात को, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अपने भी वो कंसेप्ट है। यू शैल नॉट किल अपने वेद में आवे मां हिंसा सर्वा भूतानी, मारोगे नहीं मनुष्य को व्यर्थ में, हत्या तुम नहीं करोगे। अब ये मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट टर्म में दी गई बात है, जैसे बुद्ध और जैनन ने कही थी कि हिंसा बुरी चीज है, पर हिंसा को मूल क्रोध ईर्ष्या और द्वेष है। तो अपने यहां हिंसा नहीं करो यो नहीं कह के क्रोध करनो दुर्गुण है, ईर्ष्या करनो दुर्गुण है, असूया करनो दुर्गुण है, ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म में अपने यहां कही, क्योंकि जड़ को काटने को अपन ने उपक्रम रखो है। यदि तुम क्रोध नहीं कर रहे हो, यदि तुम अपने क्रोध पे काबू पा रहे हो, यदि तुम अपनी ईर्ष्या पे काबू पा रहे हो, यदि तुम अपनी असूया पे काबू पा रहे हो, तो अपने आप हिंसा होगी नहीं। वाली अपन वाकु एब्स्ट्रैक्ट टर्म में ले रहे हैं, पर ये एकदम कॉन्क्रीट टर्म में कह रहे हैं कि यू शैल नॉट किल, यू शैल नॉट कमिट एडल्टरी। अब ये देखो कॉन्क्रीट टर्म में बात है, अपने यहां काम को रिपु मान्य है। यू शैल नॉट स्टील तुम चोरी नहीं करोगे, ये पाची कॉन्क्रीट टर्म में उपदेश है। अपने यहां अलोभ में चोरी आदमी कब करे, लोभ के कारण। तो देखो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब वन बाय वन यहां आ रहे हैं टेन कमांडमेंट्स में। यू शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर, तुम्हारे पड़ोसी के विरोध में तुम झूठी गवाही कभी नहीं दोगे। एकदम कॉन्क्रीट टर्म में की गई बात है, मगर
इतना क्षुद्र तात्पर्य नहीं है कि पड़ोसी के बारे में झूठी गवाही नहीं दोगे और जो गैर पड़ोसी है वहाँ के बारे में झूठी गवाही दे सको। यदि ऐसा तात्पर्य हो तो फिर यहवा जो है वो भगवान नहीं हो के शैतान है। समझ में आई ना बात? तो इतना क्षुद्र तात्पर्य यदि वो लेवे तो फिर वो यहवा को आदेश नहीं हो के शैतानी आदेश हो जाएगा। You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. तुम अपने पड़ोसन को ताक झांक नहीं करोगे। देखो काम को निषेध है। अब जैसे अपने यहां बदमाशियां चले ना, महाप्रभु जी के मुखारविंद में अपन कह दें कि बालक जो है वो सेवा कर रहे हो, वहां में तुम वित्तजा सेवा कर दो और तुम्हारे घर में तनुजा कर लो, तो तनु वित्तजा हो गई। ये महाप्रभु जी ने कही नहीं, पर महाप्रभु जी के मुखारविंद में धर दी जाए। महाप्रभु जी ने कही नहीं कि बिना मांगे जो दक्षिणा मिले भागवत की ले लो, पर महाप्रभु जी के मुंह में पधरा दी जाए वो। तो ऐसे क्रिश्चियन में भी यहूदीन में भी ऐसे कहो जाए कि वाइफ को अकेले को चाहने की मनाही है, पर वाके हस्बैंड के साथ चाहो तो कोई बुराई नहीं है। कोई आती नहीं ना। क्योंकि नेबर को तो चाहने की बात कही है। सो एज ए नेबर्स वाइफ वाकु चाहो तो पाप है, पर वाकु सब कुछ चाहो तो कोई बुरी बात नहीं है। अपने यहाँ एक मजेदार श्लोक है तो मातृवत परदारेशु, मैंने दूसरे की औरत को माँ के समान देखो, तो वहां मैं खुलासा कियो कि अपने बेटा की माँ के समान देखो। मातृवत परदारेशु, नीति कह रही थी परद्रव्येशु लोष्टवत, अरे दूसरे को पैसा मट्टी समझ के फूको, ये वाकवर्ड। अपने पैसा को पैसा समझो, दूसरे को पैसा तुम्हारे छप्पन भोग के लिए, तुम्हारे भागवत की सप्ताह के लिए मट्टी के बराबर है। गांठ को पैसा निकले नहीं एक पैसा। तो परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु। कोई तू और मैं अलग